डियर स्टूडेंट, अगर आपको भी किसी क्वेश्चन में डाउट है तो आपको उस क्वेश्चन का फोटो खींचना है और क्रॉप करना है। तुरंत 5 सेकंड में उस क्वेश्चन का आंसर वीडियो सॉल्यूशन के साथ आपको मिल जाएगा। फिर चाहे आपका क्वेश्चन होमवर्क का हो, सीबीएसई बोर्ड का हो, राजस्थान बोर्ड का हो या अदर किसी भी बोर्ड का हो, या क्लास 6 से 12 IIT JEE NEET या फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ के इन सभी सवालों का जवाब मिलेगा डाउटनेट पर। साथ ही डाउटनेट पर क्लास 9 से 12 के बच्चों के लिए लाइव क्लासेज हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम में चल रही है। 3 करोड़ से ज़्यादा बच्चे इस एप्लीकेशन पर पढ़ाई कर रहे हैं। डाउटनेट के इस एप्लीकेशन को अभी डाउनलोड कीजिए, लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में। हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो आज के इस वीडियो में हम कक्षा 10 विज्ञान और कक्षा 10 विज्ञान में क्रेश कोर्स है 2021 बोर्ड परीक्षा के लिए, वो हमने स्टार्ट कर दिया है। आज के इस वीडियो में हम चैप्टर 1 भोजन और मानव स्वास्थ्य, इस चैप्टर को पढ़ने वाले हैं। और ये चैप्टर आपके टोटल 5 मार्क्स का है, यानी इस चैप्टर से आपके 5 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और इस वीडियो में मैं आपको चैप्टर 1 के जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आपके बोर्ड परीक्षा 2021 के लिए महत्वपूर्ण हैं, उन प्रश्नों को मैं आपको उत्तर सहित बताने वाला हूं। तो सबसे पहले आपके क्वेश्चन नंबर 1 दे रखा है, निम्न विटामिनों की कमी से होने वाले रोगों के नाम लिखिए, यानी जो विटामिन हैं और उन विटामिन की कमी से कौन कौन से रोग होते हैं, तो उन रोगों के नाम आपको याद रखने हैं। तो पहला रोग है आपके, यानी पहला विटामिन आपके विटामिन ए, और विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, रतौंधी रोग होता है। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, रतौंधी। अगर आपने इन विटामिनों के नाम और इनसे इनके कमी से होने वाले रोगों के नाम अच्छे से याद कर लिए तो आप यहाँ से भी 1 या 2 नंबर आप आराम से बना सकते हैं, क्योंकि बोर्ड परीक्षा में आपके यहाँ से 1 क्वेश्चन है वो जरूर पूछा जाता है। तो सबसे पहले आपके विटामिन ए, और विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, आपकी रतौंधी रोग होता है। उसके बाद में दूसरा रोग है आपके विटामिन बी, या इसको थायमिन भी बोला जाता है, और इसको B1 से दर्शाया जाता है, यानी B1 भी बोला जाता है। विटामिन B1 की कमी से या विटामिन थायमिन की कमी से कौन सा रोग होता है, बेरी बेरी। कौन सा रोग होता है, बेरी बेरी। उसके बाद में तीसरा है आपके नियासिन, नियासिन या B3 की कमी से कौन सा रोग होता है, पेलेग्रा रोग होता है। यानी नियासिन या B3 की कमी से कौन सा रोग होता है, पेलेग्रा। ये भी आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में 4 नंबर पर आपके दे रखा है एस्कोर्बिकमल, एस्कोर्बिकमल या विटामिन सी, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, आपके स्कर्वी। ओके, और इसका दूसरा नाम क्या है, एस्कोर्बिक अम्ल। उसके बाद में 5 नंबर पर आपको दे रखा है कैल्सीफेरॉल, कैल्सीफेरॉल या विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है, आपके रिकेटस होता है। यानी कैल्सीफेरॉल या विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है, रिकेटस। तो ये भी आपके एग्जाम के लिए, बोर्ड एग्जाम 2021 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी विटामिन डी की कमी से या कैल्सीफेरॉल की कमी से कौन सा रोग होता है, रिकेटस। क्वेश्चन नंबर 2 आपको दिया गया है कि प्रोटीन कुपोषण की कमी से होने वाले रोगों के नाम लिखिए। तो प्रोटीन कुपोषण की कमी से होने वाले जो रोग हैं उनके क्या क्या नाम है, तो पहला रोग है आपके क्वासीओर्कोर रोग, पहले रोग का क्या नाम है, क्वासीओर्कोर रोग। उसके बाद में दूसरे रोग का नाम है मेयर्समस रोग, और ये क्वेश्चन भी आपके 2021 की बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को भी आपको अच्छे से तैयार करना है, यानी प्रोटीन कुपोषण की कमी से होने वाले रोगों के नाम लिखिए। तो प्रोटीन कुपोषण की कमी से होने वाले रोग का क्या नाम है, क्वासीओर्कोर रोग या फिर मेयर्समस रोग। क्वेश्चन नंबर 3 है आपके रक्तचाप मापने वाले यंत्र का नाम लिखिए, और एक सामान्य व्यक्ति का सिस्टोलिक और डायस्टोलिक रक्तचाप है वो कितना होता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, इसमें आपको 2 क्वेश्चन दे रखे हैं। पहला क्वेश्चन आपके क्या है, रक्तचाप मापने वाले यंत्र का नाम लिखना है, यानी जो ब्लड प्रेशर है उसको मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है। तो यंत्र का नाम क्या होगा आपके, रक्तचाप मापी, रक्तचाप मापी, या इसका दूसरा नाम है स्पाइग्नोमेनोमीटर, रक्तचाप मापी या स्पाइग्नोमेनोमीटर। उसके बाद में दूसरा क्वेश्चन आपको पूछा गया है, एक सामान्य व्यक्ति का सिस्टोलिक और डायस्टोलिक रक्तचाप कितना होता है। तो एक सामान्य व्यक्ति का जो सिस्टोलिक रक्तचाप होता है वो होता है 90 और 120
ml के बीच, यानी 90 और 120 ml के बीच कौन सा रक्तचाप होता है? एक सामान्य व्यक्ति का सिस्टोलिक रक्तचाप होता है। उसके बाद में एक सामान्य व्यक्ति का जो डायस्टोलिक रक्तचाप है वो कितना होता है? 60 और 80 ml के बीच, 60 और 80 ml के बीच। तो एक सामान्य व्यक्ति का सिस्टोलिक और डायस्टोलिक रक्तचाप है, ये आपको याद करना है। और एक रक्तचाप मापने वाले यंत्र का नाम क्या होता है? रक्तचाप मापी या स्पाइग्नोमेनोमीटर। और ये क्वेश्चन आपके काफ़ी बार बोर्ड एग्जाम में और सप्लीमेंट्री एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो इस बार ये क्वेश्चन आपके दोबारा 2021 की बोर्ड परीक्षा में रिवाइज हो सकता है, तो इस क्वेश्चन को आपको तैयार करना है। अगला क्वेश्चन है आपके क्वेश्चन नंबर 4। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में आपको तीन ऑप्शन दे रखे हैं, यानी तीनों ऑप्शन में आपके क्वेश्चन है और इन क्वेश्चन के आपको आंसर बताने हैं। पहले ऑप्शन ए में आपको क्वेश्चन दे रखा है, तंबाकू पादप के कुल का नाम लिखिए, यानी जो तंबाकू पादप है वो कौन से कुल का पादप है? तो तंबाकू पादप के कुल का नाम आपको बताना है, तो उस कुल का नाम क्या होगा? सोलेनेसी कुल, यानी जो तंबाकू पादप है वह सोलेनेसी कुल का पादप है। उसके बाद में बे ऑप्शन में आपको क्वेश्चन पूछा गया है, तंबाकू में पाए जाने वाले एल्केलॉइड का नाम लिखिए, यानी तंबाकू में कौन सा एल्केलॉइड पाया जाता है उस एल्केलॉइड का नाम बताइए। तो तंबाकू में पाए जाने वाले एल्केलॉइड का नाम क्या होगा आपके? निकोटिन। तंबाकू में पाए जाने वाले एल्केलॉइड का नाम क्या होगा? निकोटिन। उसके बाद में सह ऑप्शन में आपको क्वेश्चन दिया गया है, तंबाकू चबाने से होने वाली दो हानियां लिखिए, यानी तंबाकू चबाने से होने वाली जो दो हानियां हैं वो आपको लिखनी है। तो इसमें पहली हानि कौन सी है? जो मुंह, जीभ और गले व फेफड़ों का कैंसर होना, यानी मुंह, जीभ, गले व फेफड़ों का कैंसर होना, ये इसकी पहली हानि है। उसके बाद में सेकेंड हानि आपके धमनियों की जो दीवारें हैं उनको मोटा होने से रक्तदाब व हृदय स्पंदन दर में वृद्धि होना, यानी धमनियों की जो दीवारें हैं उनके मोटा होने से जो रक्तदाब है और जो हृदय स्पंदन है उसकी दर में वृद्धि होना। क्वेश्चन नंबर 5 है आपके, पीने योग्य जल में कौन से चार गुण होने चाहिए, यानी पीने योग्य जल है जो आसुत जल है उसमें कौन कौन से गुण होने चाहिए? तो वो गुण धर्म आपको इसमें लिखने हैं और ये क्वेश्चन आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है 2021 की बोर्ड परीक्षा के लिए, ये क्वेश्चन आपके पूछा जा सकता है। यानी पीने योग्य जो जल है, जो आसुत जल है, उनमें कौन कौन से गुण होने चाहिए? आपको चार गुण बताने हैं। तो पहला गुण क्या है कि जो जल में आंखों से दिखने वाले जो कण हैं, वनस्पति हैं, वो नहीं होने चाहिए, यानी जल में आंखों से दिखने वाले जो कण हैं, वनस्पति हैं आदि नहीं होने चाहिए। और दूसरा गुण धर्म क्या है कि जल का जो पीएच है वो कैसा होना चाहिए? संतुलित होना चाहिए, यानी जल का पीएच है वो संतुलित होना चाहिए, यानी उदासीन होना चाहिए, और उसकी पीएच का मान कितना होता है? 7 होता है। ओके, उसके बाद में तीसरा गुण धर्म क्या है कि जल में पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन है उसकी मात्रा होनी चाहिए, यानी जल में पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन है वो घुली होनी चाहिए। उसके बाद में 4 नंबर पर गुण धर्म दे रखा है, जल में जो हानिकारक सूक्ष्म जीव हैं वो नहीं होने चाहिए, यानी जल में हानिकारक सूक्ष्म जीव है वो नहीं होने चाहिए। तो पीने योग्य जल के ये 4 गुण आपको अच्छे से तैयार करने हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके 2021 की बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है आपके क्वेश्चन नंबर 6, मेरसमस रोग है उसके लक्षण लिखिए, यानी मेरसमस रोग है उसके आपको लक्षण लिखने हैं। जब प्रोटीन के साथ पोषण में ऊर्जा की कमी हो जाती है तो मेरसमस रोग हो जाता है, यानी जब प्रोटीन के साथ पोषण में ऊर्जा की कमी हो जाती है तो कौन सा रोग हो जाता है? मेरसमस रोग हो जाता है। और इस रोग में जो शरीर है वो सूख कर दुर्बल हो जाता है, कमजोर हो जाता है, और जो आंखें हैं वो कांतिहीन और अंदर धस जाती है, यानी जब प्रोटीन के साथ पोषण में ऊर्जा की कमी हो जाती है तो कौन सा रोग होता है? मेरसमस रोग होता है। और इस रोग में जो शरीर है वो सूख कर दुर्बल या कमजोर हो जाता है और आंखें हैं वो कांतिहीन या अंदर धस जाती है। तो ये जो लक्षण है ये आपको याद रखने हैं, मेरसमस रोग के लक्षण हैं, और ये क्वेश्चन भी आपके बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है, और इस बार 2021 की जो बोर्ड परीक्षा होने वाली है उसके लिए भी यह क्वेश्चन आपके बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है।
क्वेश्चन नंबर 7 है आपके, दूषित जल के दुष्प्रभाव लिखिए, यानी जो दूषित जल है, जो जल पीने योग्य नहीं है, उनके आपको दुष्प्रभाव लिखने हैं। तो यदि जो पीने का जो पानी है वो दूषित हो जाता है तो उसे कई बीमारियां चपेट में ले सकती है, फिर आ सकती है। यदि जो पीने का जो पानी है वो दूषित हो, खराब हो, तो कई बीमारियां चपेट में ले सकती है। और गर्मी के दिनों में दूषित पानी पीने से कौन कौन से रोग होते हैं, डायरिया, हैजा, टाइफाइड, हेपेटाइटिस ए जैसी बीमारियों के होने की संभावना रहती है। यानी पीने का जो पानी है अगर दूषित हो तो कई बीमारियां चपेट में आ सकती हैं। और गर्मियों के दिनों में दूषित पानी पीने से डायरिया, हैजा, टाइफाइड, हेपेटाइटिस ए जैसी बीमारियों के होने की संभावना रहती है। उसके बाद में दूसरा जो प्रभाव है, दुष्प्रभाव है, वो आपको क्या लिखना है कि दूषित पानी पीने के अलावा यदि हम इससे स्नान भी करते हैं तो भी कई प्रकार के चर्म रोग हैं वो हो सकते हैं। यानी दूषित पानी पीने के अलावा अगर हम उस पानी से स्नान भी करते हैं तो भी कई प्रकार के चर्म रोग हैं वो हो सकते हैं। और तीसरा दुष्प्रभाव क्या है कि दूषित पानी पीने से जो लीवर है उसमें संक्रमण हो सकता है। यानी दूषित पानी पीने से जो यकृत है, जो लीवर है, उसमें क्या हो सकता है, संक्रमण हो सकता है। और उसके बाद में नेक्स्ट है आपके, दूषित पानी पीने से पेट संबंधी बीमारियां हो सकती है। यानी दूषित पानी पीने से जो पेट संबंधी बीमारियां हैं वो भी हो सकती हैं। तो ये क्वेश्चन आपके इस चैप्टर का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो इस प्रश्न को आप अच्छे से तैयार करें। क्वेश्चन नंबर 8 है आपके, मदिरा के प्रमुख घटक का नाम लिखिए और मदिरा सेवन से मानव स्वास्थ्य पर होने वाले कुप्रभाव लिखिए। यानी मदिरा का जो प्रमुख घटक है उसका नाम लिखना है और मदिरा सेवन से मानव स्वास्थ्य पर कौन कौन से प्रभाव पड़ते हैं वो कुप्रभाव आपको लिखने हैं। तो मदिरा के प्रमुख घटक का नाम क्या है, एथिल एल्कोहल। मदिरा के प्रमुख घटक का नाम क्या है, एथिल एल्कोहल, और इसका रासायनिक सूत्र होता है C2H5OH। ये इसका रासायनिक सूत्र होता है। और इससे कौन कौन से कुप्रभाव पड़ते हैं मानव स्वास्थ्य पर, तो इसमें पहला कुप्रभाव क्या है कि इससे व्यक्ति की जो आर्थिक स्थिति है वो कमजोर हो जाती है और सामाजिक प्रतिष्ठा है उसको बहुत ठेस पहुंचती है। यानी व्यक्ति की जो आर्थिक स्थिति है वो कमजोर हो जाती है और सामाजिक प्रतिष्ठा है उनको बहुत ठेस पहुंचती है। और दूसरा कुप्रभाव क्या है कि इसके प्रभाव से वस्य यकृत रोग हो जाता है। यानी मदिरा के सेवन है, मदिरा का सेवन करने से कौन सा रोग होता है, वस्य यकृत रोग हो जाता है। और तीसरा कुप्रभाव क्या है कि एल्कोहल के प्रभाव से व्यक्ति के शरीर का जो सामंजस्य है और जो नियंत्रण है वो कमजोर हो जाता है। एल्कोहल के प्रभाव से व्यक्ति के शरीर का जो सामंजस्य है और जो नियंत्रण है वो कमजोर हो जाता है। और उसके बाद में 4 नंबर पर कुप्रभाव दे रखा है कि एल्कोहल से जो श्रवण क्षमता है उसमें बहुत ही कमी आ जाती है और तंत्रिका तंत्र है वो भी प्रभावित होता है। तो इस क्वेश्चन को भी आप अच्छे से तैयार करें और साथ साथ में आप इनको लिख भी सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है आपके, संतुलित भोजन और कुपोषण किसे कहते हैं। यानी संतुलित भोजन और कुपोषण की आपको परिभाषा लिखनी है। तो सबसे पहले आपके संतुलित भोजन है, यानी संतुलित भोजन किसे कहते हैं। तो संतुलित भोजन वह भोजन जिसमें सभी पोषक तत्व शामिल हो। यानी संतुलित भोजन वह भोजन होता है जिसमें सभी पोषक तत्व क्या हो, शामिल हो, उसे क्या कहा जाता है, संतुलित भोजन कहा जाता है। और संतुलित आहार या संतुलित भोजन शरीर को मजबूत बनाता है। संतुलित भोजन है वो शरीर को क्या बनाता है, मजबूत बनाता है और रोगों से लड़ने के लिए जो प्रतिरोधक क्षमता है उसको भी बढ़ाता है। रोगों से लड़ने के लिए उसकी प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाता है। सेकंड है आपके कुपोषण। यानी कुपोषण की परिभाषा क्या होती है कि किसी भी पोषक की भोजन में कमी, किसी भी पोषक की भोजन में कमी से भोजन है वो असंतुलित होगा। यानी कोई भी पोषक है उसकी भोजन में अगर कमी है तो वह भोजन क्या होगा, असंतुलित होगा। और लंबे समय तक जब पोषण में किसी एक या अधिक पोषक तत्व की कमी हो तो उसे क्या कहते हैं, कुपोषण कहते हैं। यानी जब
लंबे समय तक जब पोषण में किसी एक या अधिक पोषक तत्व की कमी हो तो वह भोजन कैसा कहलाएगा? कुपोषण कहलाएगा या फिर असंतुलित भोजन कहलाएगा। और दूसरा क्या है आपके, अगला क्वेश्चन है, नारू रोग के रोगजनक का नाम लिखिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर सभी बच्चों को कमेंट बॉक्स में देना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए।